क्यों भाई राहुल, इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? ये बताओ, क्लास खत्म होने वाली है, अब पढ़ने के लिए आए हो तुम? बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? अरे मोदी सर जी, मम्मी ने पराठे बनाने में देर कर दी। अगर मैं जल्दी आ जाता तो मेरा लंच बॉक्स रह जाता, पराठों के चक्कर में रुक गया मैं। पराठों के चक्कर में स्कूल का टाइम ही भूल गए? अब जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाती ऐसी खड़े रहो बेंच पे। चलो लालू जी, आप बताओ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी और किसने की थी? अरे भाई मोदी सर जी, मेरे सामने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई थोड़ी हुई थी, जो मैं बताऊंगा और कब किसने की थी मुझे नहीं पता है। क्या बात है लालू जी, तुम्हारा जवाब सुन के तो मैं धन्य हो गया। ओवैसी जी, ब्लू को हिंदी में किस कलर को कहते हैं? जी मोदी सर जी, ब्लू को हिंदी में पानी कहते हैं, पानी। अरे ओवैसी जी, पानी कैसे कहते हैं? ब्लू को तो हिंदी में नीला रंग कहते हैं, नीला रंग। अरे मोदी जी, आप नीला रंग कहते होंगे, मैंने तो यही सुना है कि आज ब्लू है पानी, पानी। क्या बात है ओवैसी जी, क्या बात है। लगता है मुझे इस टीचर की नौकरी से जल्द संन्यास लेना पड़ेगा। अच्छा अगलेश, तुम बताओ, 2+4 कितने हुए? अरे मोदी जी, ये तो मुझे पता है, 6 हुए 6। बहुत बढ़िया अगलेश, तुमने सबसे अच्छा जवाब दिया। एक सवाल और बताओ, 4+2 कितने हुए? अरे ये तो मुझे पता नहीं है मोदी जी, कल को याद करके आऊंगा तभी बताऊंगा आपको। मैं तो समझ ही रहा था अखिलेश, तुम रट्टा मार के आयो, 2+4 6 बता दिए तुमने, लेकिन जब मैंने उल्टा करके पूछा 4+2 कितने हुए, तुम नहीं बता पाए। केजरीवाल, तुम बताओ, अच्छा कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? अरे भाई मोदी सर जी, मैंने तो बनवाया नहीं था, कह देता हूँ, लेकिन हाँ जिसने भी बनवाया था उसका नाम मेरी जुबान पे रखा है, याद नहीं आ रहा है। याद करके बताऊंगा जब मैं कल क्लास में आऊंगा, तभी आपको बता दूंगा कि किसने बनवाया था कुतुब मीनार को, फिलहाल मैंने नहीं बनवाया था। अरे मोदी सर जी, इससे पहले मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मेरी किताबें किसी ने चुरा ली है, मैं कुछ याद नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, मुझसे कुछ मत पूछना। क्या बात रही होगी जी, तुमने पहले से पहले ही बहाना तैयार कर लिया। अरे तुम्हारी किताबें तो 1 महीना पहले चुरी थी और तुमने खरीद भी ली है। अब चलो, घंटी बज गई, मेरी क्लास यहीं खत्म होती है। कल योगी जी सवाल पूछने की शुरुआत मैं तुम्हीं से करूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी, राहुल जी, सोनिया जी, क्या गजब का मौसम है आज। आज मुझे सवारी भी काफी मिली है अपनी टुक टुक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पर। अरे ये क्या होने लगा, मेरा रिक्शा अपने आप नदी में जाने लगा। अरे कोई बचाओ। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। अरे अखिलेश, कैसा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चलाते हुए ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारे रिक्शा पर कितनी सवारी बैठी हुई है, और तुम अपनी मन मस्ती में गांव की मौज लेते हुए चल रहे थे, अब ये देखो बराबर में नदी बह रही है, तुम्हारा टुक टुक नदी में जाने लगा। वो तो भला हो मोदी जी का, मोदी जी ने आके पकड़ लिया। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं सबसे पीछे हूँ, गिर रहा हूँ मैं, मम्मी जी मुझे बचवाओ। अरे मेरे बेटे, मैं तुझे किससे बचवाऊं, मैं खुद सोच रही हूँ मैं किसी तरीके से बच जाऊं, तुझे ही बहुत आपत्ति के, सर्दियों के कपड़े लेने चलो मम्मी, ले अब ले ले नदी में कपड़े, मोदी जी ऊपर को खींच लो, टुक टुक को बचा लो, मेरा राहुल पीछे गिरा जा रहा है। सोनिया जी, किस तरीके से बचाऊं तुम लोगों को, जितना मेरा करने का है उतना मैं कर रहा हूं। एक हाथ से मैं इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पकड़े हुए हूं और दूसरे हाथ से यहां पर वो तो भला हो एक खंबा गड़ा हुआ था पोल, उसको पकड़े हुए हूं। इसी तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा रुका हुआ है, नहीं तो कब का नदी में चला गया होता। अब मेरे दोनों के दोनों हाथ तो फंसे हुए हैं। अरे मोदी जी, जोर से खींचो, जोर से खींचो, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को बाहर को निकाल सकती हो तुम, जोर से खींचो। अरे अखिलेश, कैसे जोर से खींचूं? अरे मैं अकेला आदमी हूँ, कैसे करके खींचूं? उतर के आओ इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा से और मेरी हेल्प करवाओ। अरे मोदी जी, हम आगे से कैसे उतर के आए? अगर हम आगे से उतर गए तो पीछे वजन ज्यादा हो जाएगा और पलट जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, तुम रोक नहीं पाओगे। पीछे योगी जी, राहुल जी और केजरीवाल बैठे हुए हैं। अरे भैया अखिलेश, आगे से मत उतरना, आगे से बिल्कुल मत उतरना, अगर तुम आगे से उतर गए तो पीछे वजन ज्यादा हो जाएगा और ये रिक्शा तुम्हारा नदी में पलट जाएगा। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी मैं जो तुम्हारे रिक्शा में बैठ गया? टेंशन मत लो योगी जी, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इस रिक्शा को मैं नदी में कभी नहीं जाने दूंगा, अभी निकालता हूँ, थोड़ा सा जोर और लगाता हूँ, लो निकलने वाला है, निकल चुका निकल गया तुम्हारा रिक्शा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।